दर्शकों नमस्कार, सच की आवाज जय हो इंडिया के इस विशेष प्रोग्राम में मैं ज्योति आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज हमारे साथ में एक ऐसे नगर सेवक है जिनसे यहाँ की प्रभा की जो जनता है वो काफी हद तक संतुष्ट है और भाव ने काफी हद तक लोगों के लिए मदद का हाथ भी बढ़ा है। तो हम सीधे मिलते हैं भाव से और जानते इस प्रभा 23 अ से वो चुनकर आए हैं, शिवसेना के वो कार्यरत है, तो उनका क्या कहना है और उनके 5 साल जो है वो किस तरह से गए। भाव नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे इस प्रोग्राम में आए। भाव मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके जो 5 साल है वो कैसे गए। 5 साल जो है मेरा जो कार्यकाल नगर सेवक का बहुत ही अच्छा गया है, लोगों की सेवा करने में गया है। भाव मुझे बताइए कि आपने हर साल 10वीं और 12वीं के जो विद्यार्थी रहते हैं आप हमेशा उनका सत्कार करते हैं हर साल, तो ये जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिली आपको? ये प्रेरणा जो है हमारे जो गुरु है, अभी उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनके मार्गदर्शन में मैंने कई ऐसे प्रोग्राम किया हूँ, उसके बाद में आगे करता रहूँगा। अगर जनता ने मुझे और आशीर्वाद दिया तो फिर भी करता रहूँगा। भाव मुझे बताएं कि आपने जो बुजुर्ग लोग जो होते हैं उनके लिए आपने कई हद तक शिविर भी चलाए हैं, तो ये किस तरह का सुझाव रहा है या फिर पार्टी के लोगों ने ऐसा कुछ कहा था कि आप भैया ये लीजिए शिविर करके? हमने जो शिविर लिया अभी तक के, इनमें मैंने कम से कम 2000 लोगों को चश्मा वितरण का कार्यक्रम लिया हूँ, जिसमें प्रभाग में अलग अलग दिशा में अलग अलग क्षेत्र से हमने जो बुजुर्गों को इलाज भी कराया, फ्री में दवाई भी फ्री में दिया है, और चश्मा 2000 चश्मे वाटप का कार्यक्रम किया। तो भाव इस शिविर में कितने लोगों ने सहभाग लिया था? 2000 के करीब लोगों ने सहभाग लिया था जी। भाव मुझे बताएं, आप हर साल गर्भा लेते हो और उस गर्भे में कई हद तक लोग शामिल होते हैं, तो ये जो प्रोविजन है वो किस तरह करा है? अभी ये मैं हर साल राजगर्भ जो करवाता हूँ श्री शीतला माता बाल सेवा ट्रस्ट के सौजन्य से करवाता हूँ, और जब से मैं राजगर्भ करवा रहा हूँ तब से हमारी माताएं बहनें इस राजगर्भ से, जैसे कि राजगर्भ तो वर्धमान नगर वगैरह एरिया में बड़े बड़े जो पैसे वाले रहते हैं वहाँ होता है, लेकिन गोर गरीबों के एरिया में नहीं होता था, इसलिए हमारी माता बहनों के लिए, छोटी छोटी बच्चियों के लिए, मेरी बेटियों के लिए जो मैं राजगर्भ का आयोजन किया, इससे मुझे बहुत आशीर्वाद मिला है और लोगों का कहना है कि ऐसा हर साल होता रहे। भाव प्रभाग 23 और से क्या समस्या रही है मुख्य? प्रभाग 33 में तो समस्या बहुत सारे थे, जिसको हमने धीरे धीरे, जैसे सबसे पहला विषय तो पानी का समस्या था कि लोगों को पानी नहीं मिलता था, उसके बाद में रोड वगैरह के साधन नहीं थे, फिर गटर लाइन वगैरह का व्यवस्थित हमने धीरे धीरे, और मैं 2 साल स्टैंडिंग कमेटी में रहा, उससे मुझे कम से कम ये जो 2 साल का स्टैंडिंग कमेटी उसमें 4.25 करोड़ का मैंने विकास कार्य किया, सीमेंट रोड से लेके डामर रोड से लेके लाइट वगैरह सारे विकास किए। भाऊ मुझे ये बताइए कि आप नगर सेवक है, नगर सेवक बनने से पहले और नगर सेवक बनने के बाद में क्या अंतर आता है, क्या लगता है आपको? नगर सेवक बनने के पहले तो एक आम नागरिक था मैं, नगर सेवक बनने के बाद में एक जवाबदारी बढ़ जाती है। जवाबदारी बोलो तो जैसे जनता की सेवा करना, कई महिलाओं का मैंने बच्चादानी का ऑपरेशन किया, कई बूढ़ों का इलाज करवाया, कई हॉस्पिटलों में लड़ झगड़ के उनके बिल कम करवाया, ऐसे ये सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में मैं कार्य करता रहता हूँ। वैसे तो शीतला माता बाल सेवा ट्रस्ट का मैं 13 साल से अध्यक्ष हूँ और कृपा रही तो आगे भी करता रहूँगा। भाव सबसे बड़ी आपके क्षेत्र में प्रभाग क्रमांक 33 की सबसे बड़ी समस्या कौन सी रही है जिससे लोग जूझ रहे हैं या आपने उस समस्या का निवारण किया है? सबसे बड़ी समस्या बोलो तो सिर्फ गटर लाइन का है अपने प्रभाग में, और गटर लाइन का ऐसा समस्या है कि राजकीय क्षेत्र में रहते हुए कुछ न कुछ परेशानी आती रहती है, और उसको आने वाले साल में हम पूर्ण करने का कोशिश करेंगे। भाव हमने ये भी सुना है कि आपके प्रभाग में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक बिल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था जो आपने सॉल्व किया, तो उस तरह से किस तरह के आपने निवेदन दिए हैं और किस तरह से लोग वहाँ से संतुष्ट हो गए? प्रभाग 33 में ऐसा था कि जो SNDL है वो आए दिन 4 दिन 5 दिन में लोगों को परेशान करने का तरीका अपनाया था, उसको हमने अपने तरीके से। भाव अभी 2017 के जो महानगर पालिका के जो चुनाव है, तो उस चुनाव में आपको अगर सीट मिलती है तो ऐसा कौन सा काम है जो आप कर पाओगे? अभी तो ऐसा है जो हमारा 5 साल का अनुभव है, 5 साल का ये अनुभव हमारे लिए बहुत कुछ है, आने वाले समय में करना नहीं करना वो तो खैर विषय बात का है, लेकिन पार्टी टिकट नहीं देना ये विषय नहीं है, पार्टी तो टिकट देंगी ना, क्योंकि मैं एक छत्तीसगढ़ी समाज का शिवसेना की ओर से एकुलता एक नगर से हूँ, तो टिकट का विषय। भाव मुझे बताइए कि अगर आपको शिवसेना टिकट देगी जिस तरह से अभी बात की आपने, तो आपको मिलेगी? और हमने अब जब प्रभाग के लोगों से बात की तो लोग भी आपसे काफ़ी संतुष्ट है, तो मुझे बताइए कि जनता की कौन सी प्रॉब्लम होगी जो आप सॉल्व करेंगे?
ऐसे तो देखो गटर नाली 12 महीने बनते रहते बिगड़ते रहते, रोड भी 12 महीने बनते बिगड़ते हैं, लेकिन जनता का जो पर्सनल काम है जैसे बीमारी में इलाज है, बाकी उनको दवा खाना ले जाना, हमारी माँ बहनों का जो है उनकी संरक्षण करना, ये सारा विषय मेन मुद्दा है, बाकी तो ये चलते रहता है, रोड बनते है, बिगड़ते हैं। भाव आपने ज्येष्ठ नागरिकों का सत्कार भी किया है, तो हर साल आप करते हो? ज्येष्ठ नागरिकों का सत्कार जो है मैं अपने वार्ड लेवल पे ही करता हूँ, ज़्यादा तामझाम करके नहीं, जो भी है जैसा भी अपने हिसाब से करते रहते हैं। भाव मैं हमने ये भी सुना है कि गरीब जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी आपने काफ़ी किताबें पुस्तकें वगैरह बांटी है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। गरीबों का ऐसा है कि इसके पहले मेरे प्रभाग में एक छोटा सा बच्चा था जिसके हार्ट में प्रॉब्लम था, उसको 2.5 लाख रुपए हॉस्पिटल के लग रहे, हमने खुद मैं खुद एक नगर सेवक होने के नाते एक कटोरा बनाया, उसमें दान पेटी लिख कर पूरे परिसर में मैंने चंदा इकट्ठा किया, एक दिन में 3 घंटे के अंदर 1.5 लाख रुपए का चंदा इकट्ठा हुआ, ऐसे कार्य करने में मैं ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। भाव मुझे बताइए कि आखिर में शिवसेना की रणनीति किस तरह से रहेंगी और किस तरह से प्रसार और प्रचार करने वाली है? शिवसेना की रणनीति तो आगे अभी सामने अपन चुनाव माहौल में ही तय करेंगे, अभी बता नहीं सकते कैसा करना है, लेकिन जब तक कि ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती है सामने, उसके बाद ही हम निर्णय लेंगे। दर्शकों ये थे हमारे साथ में जगत राम सिन्हा जी, जिनसे हमने वार्तालाप की और जाने उनके प्रभाग के बारे में तथा उनके विचार कि वो किस तरह से अगर उन्हें शिवसेना की टिकट मिलती है तो वो अपने प्रभाग का सबसे बड़ा जो काम है वो करने वाले, और उन्होंने इस 5 साल में कई सारे काम किए हैं, चाहे वो बच्चों के लिए हो, बुजुर्ग के लिए हो या फिर युवाओं के लिए, वो हर पल लोगों के लिए जीते हैं, क्योंकि अगर हम लोगों के लिए जीते हैं, लोगों के जो कार्य होते हैं हम उन कार्यों को अगर पूरा करते तो नागरिक भी हमसे संतुष्ट होते हैं। दर्शकों हम आपको ऐसे ही नगर सेवकों से मिलवाएंगे और जानेंगे उनके 5 साल के कार्यकाल के लिए। आज के लिए बस इतना ही, कैमरा पर्सन मनोहर रिंगोले के साथ में मैं ज्योति, जय हो इंडिया के लिए।